इन थ्री फेजेस फर्स्ट फॉर द बाई इलेक्शंस देर आर ट्वेंटी सिक्स असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन दंट्री जहाँ बाईपोल होना अभी है ड्यू बिहार गुजरात हरियाणा झारखंड महाराष्ट्र त्रिपुरा उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल तेलंगाना हिमाचल प्रदेश राजस्थान कर्नाटका तमिलनाडु इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे और यह उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा बट ऑल दी सेवन ट्वेंटी सिक्स

जून 24, 24 जून विद हंड्रेड फोर्टी सेवन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज अरुणाचल प्रदेश ऑन सेकेंड ऑफ जून विदी असेंबली कॉन्स्टिटुएंसीज आंध्र प्रदेश ऑन अलेवेंथ जून ट्वेंटी फोर विद हंड्रेड सेवेंटी फाइव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज दीज आर दाइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट देइमल्टेनियसली

और डेट ऑफ पोल थर्टींथ मे 24 को होगी इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल सॉरी सॉरी 19 19 अप्रैल को 20 मार्च 19 अप्रैल इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल 20 मार्च को नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल उड़ीसा उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन दिस विल बी कंडक्टेड इन इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18 अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी थर्टींथ में फिफ्थ फेज में होगा सेकंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा ट्वेंटी सिक्स अप्रैल एंड ट्वेंटी मे देन सिक्स फेज एंड सेवंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव है असम्बली इलेक्शंस फेज बींग ऑन ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल एंड ट्वेंटी फिफ्थ मे इलेक्शंस ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो कमिंग टू दी जनरल इलेक्शन टू दी लोकसभा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार बिगेस्ट 543 हंड्रेड फोर्टी थ्री पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 फोर आर रिजर्व फॉर एस सीज एंड फोर्टी सेवन आर रिजर्व फॉर एस तो इस पांच सौ तैतालीस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महा त्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर वोटिंग कम ऑन द डे ऑफ बोटिंग छुट्टी मनाने ना जाएं जरूर आ जाएं शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन विल डू इट इन सेवन फेजेस एज वाज डन लास्ट टाइम सेवन फेजेस फेज वन विल स्टार्ट From 20th March notification, five days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th April. अप्रैल इसमें फेज़ वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें तीस मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज़ के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहाँ बोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी सो फेज़ वन दिस विल लुक लाइक दिस ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा तो इसमें जो फेज़ वन का जो मैप है इसमें आ, नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ये येलो फर्स्ट फेज़ का आपके सामने में आ, मैप है सेकंड फेज सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी May. second phase will, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April similarly here in case of J&K because of the uh, some holiday the date of uh, one day would be different date of security of nomination would be different but date of uh, gazette notification or date of poll would be common phase 1 may 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और आ, फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे फेज थ्री वुड बी फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल भी सेवंथ ऑफ मे इसमें भी टोटल ट्वेल्व स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे केरला कवर कर चुके होंगे गुजरात इसमें कवर कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में एटीन अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी थर्टींथ ऑफ मे डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी फोर्थ ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शन फॉर द असेंबली इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस समय तक हम इसमें तेलंगाना आंध्रा उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई देट टाइम अदर देन देट एंडायर साउथ इंडिया वुड भी कम्प्लीट एंड टायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कम्प्लीट नॉर्थ ईस्ट वुड बी कम्प्लीट और फिफ्थ फेज छब्बीस अप्रैल से शुरू होगी और बीस मई तक चलेगी बीस मई तक डेट ऑफ पोल होगी बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी काउंटिंग ऑफ कोर्स इज फोर्थ ऑफ जून इट विल लुक लाइक दिस